इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको इसमें ये दिया हुआ है इस कट फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस और क्या बनता है रेगुलर हेक्सागन। देखिए कहानी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये है ट्रायंगल, अब इसको आप तीनों वर्टिसेस पे काटो तो बन जाएगा आपका रेगुलर हेक्सागन। मैं आपको दिखाता हूँ रेगुलर हेक्सागन बनेगा तो कैसा बनेगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि देखो ऐसे रेगुलर हेक्सागन बनने वाला है। ये देखो अब आप अगर इसको ऐसे स्केल ऑन काट दो, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, तो क्या शेप बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। रेगुलर हेक्सागन इन्होंने बोल रखा है कि रेगुलर हेक्सागन बनेगा, तो बताना है कि हेक्सागन का एरिया ट्राइंगल के एरिया का कितना परसेंट है। ये बहुत आसान है, 66.66% होगा। कैसे देखो, जो भी आपके हेक्सागन की साइड है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आप इस तरह से काट रहे हो तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ना, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। और इस इन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का जो साइड है वो क्या है, जो हेक्सागन का एज है या साइड है। और आपको ये भी पता है कि हेक्सागन एक्चुअली 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना होता है विद साइड जो कि एज की होती है। अब आपको बताइए इस डायग्राम में इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 9 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं एक ही तरह के, जिसमें 3 बाहर है और 6 इस हेक्सागन के अंदर है। तो आप मुझे बताओ कि रेशियो क्या होगा, हेक्सागन का जो एरिया होगा वो अगर 6 है तो ओवरऑल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 9, क्योंकि 6 अंदर है 3 बाहर है, टोटल 9 हो गया। 6/9 को आप बोलते हो 2/3, और 2/3 परसेंटेज के टर्म में क्या होता है सर, 66.66%। विजुलाइजेशन से भी पॉसिबल था या फिर आप इसको रख के और कर लेते हो समझ के। अब देखिए कटिंग आपने कैटेगराइज कर दिया इसको कटिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या मुश्किल है, छोटा सा विजुलाइजेशन आपको करना है कि भाई एक ट्रायंगल से हेक्सागन निकलेगा तो कैसे निकलेगा। उन्होंने बता भी दिया है कि वर्टिसेस से काटना है, तो थोड़ा सा विजुलाइज करोगे आपको हेक्सागन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं था, अगर आपने कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए तो भी एग्जाम में ये क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो बिना डरे हुए, पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन की आइडिया एग्जाम में दिमाग में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा।